देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं, एक भी चावल एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है। एकदम बढ़िया हमारी चावल बनके तैयार हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। मैं ही नमकीन चावल की रेसिपी कुकर में बनाने वाली हूँ। काफ़ी लोगों के चावल कुकर में चिपक जाते हैं, तो आज मैं जिस तरीके से चावल बनाने वाली हूँ, अगर आप भी वैसे ही चावल बनाते हैं तो आपके चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे। तो देखते हैं कि मैंने ये चावल कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए हैं चावल। मैंने इन्हें 3 से 4 बार धोया है। चावलों को आपको बहुत ही अच्छे से धोना है, क्योंकि जो चावलों के अंदर स्टार्च होता है वो उन्हें चिपचिपा बना देता है, इसलिए आपको उसका स्टार्च निकाल देना है। 2 से 3 बार आप पानी में धोएंगे तो ये चावलों का स्टार्च बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे मैंने चावलों को धो लिया है और इनका पानी निकाल दिया है। चावलों को भिगो के रखना या ना रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप 10 से 15 मिनट चावलों को भिगो के रख सकते हैं, वरना आप सिर्फ अच्छे से धोकर ही चावलों को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। चावलों को आप घी में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है घी और तेल का। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो आप चावलों को घी में ही बनाएं, तो थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे घी को। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा लाल होगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्जियाँ। आलू डाल रही हूँ, मटर, हरी मिर्च, टमाटर मिलाएंगे ना। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली हैं, क्योंकि सिंपल नमकीन चावल हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू, मटर, टमाटर यही चीज़ें डाले हैं। इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच जितना, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला। मसालों को कर देंगे सब्जी में अच्छे से मिक्स। अगर आप कोई और सब्जी ऐड करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मसाले एकदम सब्जी में अच्छी तरह से मिल गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। इनको मिक्स कर देंगे। आप चावलों को हल्के हाथ से चलाएं और सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। तो देखिए चावल भी अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो गए हैं। अभी हमें इसे 1 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है, मतलब हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। 1 मिनट इसी तरह से इन्हें पकने दें, ड्राई पकाएं। तो 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी मैं उसी ग्लास से डालने वाली हूँ जिससे मैंने चावलों को मीज़र किया है। तो मैंने इसी ग्लास से चावल मीज़र करे थे, इसी से पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिए थे। तो 1 ग्लास चावल के लिए हमें 1.5 ग्लास पानी डालना है, उसी हिसाब से मैंने 2 ग्लास चावल के लिए 3 ग्लास पानी डाला है। तो आप याद रखें मेजरमेंट, 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं डालें। आप देखेंगे कि एकदम मस्त खिले खिले चावल हमारे बनेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे पनीर रखा हुआ था इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़, वो है ये नींबू का रस। आधे नींबू का रस मैंने यहाँ पर लिया है और उसे मैं इसमें डाल दूँगी। नींबू बहुत अच्छे से काम करता है चावलों को खिला खिला बनाने के लिए, क्योंकि वो जितना भी स्टार्च है उसे अलग अलग कर देता है चावलों से और उन्हें चिपकने नहीं देता। नींबू इसमें निचोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं। तो यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इन्हें पका लूँगी, और मैं इसमें 1 सीटी लूँगी, और उसके बाद जैसे ही 2 सीटी आने वाली होगी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो।
और इसका प्रेशर अपने आप जब रिलीज हो जाएगा तो इन्हें खोलकर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए चावल हमारे पक चुके हैं एकदम अच्छी तरह से। अब मैं इनमें धनिया डाल दूंगी और उन्हें थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इन्हें चलाकर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इन्हें मिक्स कर दूंगी। चावलों को आप बहुत ही हल्के हाथ से चलाएं और अब इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे एकदम मस्त चावल बने हैं, एकदम खिले खिले। तो देखिए हमारे चावल तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने चावल बनाएं, आपके चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और जब आप ये चावल बना के खाएंगे आप पुलाव और बिरयानी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।